jungle. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल MS Tech Studio। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और नया वीडियो लाया हूं और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपकी जो गाड़ी है, आप अपनी गाड़ी में LPG गैस किट लगवा लेते हो तो आपको डाउट रहता है कि LPG गैस किट लगवाने पे आपकी गाड़ी कितना एवरेज देगी। तो यानी दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि आपको मैं बता दूं कि गाड़ी LPG पे कितना एवरेज देती है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो ये बनाने का मेन मकसद यही था। तो दोस्तों, मैंने कुछ वीडियो डाले हुए मेरे यूट्यूब चैनल पे। यदि आपने LPG के वीडियो नहीं देखे हो तो मैं आई बटन के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, आप जरूर देख लेना उन वीडियो को, तो आपको नॉलेज भी मिलेगी उससे और आपको पता भी चलेगा। कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो अपन को नहीं मिलते हैं सर्च करने पे, जैसे YouTube पे सर्च किया और अपने को वो वीडियो नहीं मिले, तो कुछ वीडियो नहीं मिल पाते हैं, इस कारण मैं आई बटन के अंदर डाल दूंगा, तो आप जरूर वो वीडियो देख लेना। तो दोस्तों, जो वीडियो मैंने डाले हुए उनके ऊपर रेगुलर मेरे कमेंट आते हैं कि क्या भैया, मेरे पास ये गाड़ी है, मैं LPG गैस किट लगवाना चाहता हूं, तो मैं LPG गैस किट लगवाऊंगा, उसके बाद मेरी गाड़ी क्या एवरेज देगी। यानी वो सारी गाड़ियों का पूछते हैं कि मेरे पास एल्टो है या मेरे पास वैगनार है या मैं बेलोनो गाड़ी में LPG गैस किट लगवाना चाहता हूं या i20 में या i10 में या होंडा सिटी में या अमेज में। यानी बहुत सारी ऐसी गाड़ियां जिनका मेरे मतलब रेगुलर बोला जाता है कि ये मेरे पास गाड़ी है, इसके अंदर मैं कौन सी LPG गैस किट फिट कराऊं या इसका एवरेज क्या देगी। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरा सिर्फ मेन मकसद एवरेज के ऊपर बनाने का है कि एवरेज आपकी गाड़ी कितना देगी। यदि आप किसी भी गाड़ी में LPG गैस किट फिट कराना चाहते हो और आपकी LPG गैस किट ओनली पेट्रोल गाड़ी में ही LPG गैस किट फिट होगी, और पेट्रोल गाड़ी में कोई भी आपकी पेट्रोल गाड़ी है, XYZ कोई भी गाड़ी हो सकती है, तो आप उसके अंदर पेट्रोल गाड़ी के अंदर LPG गैस किट फिट कराते हो तो आपको डाउट रहता है कि आपकी गाड़ी क्या एवरेज देगी। तो दोस्तों, एवरेज आपकी गाड़ी वही देगी जो आपकी पेट्रोल पर गाड़ी एवरेज देती है। यानी आपकी सपोज कीजिए कि जैसे आपके पास i10 गाड़ी है, आपकी i10 पेट्रोल पे हाईवे पे 18 का या सिटी में 12 का दे रही है, तो दोस्तों इसी तरीके से यदि आपकी पेट्रोल गाड़ी i10 गाड़ी है, हाईवे पे 18 का दे रही है और सिटी के अंदर 12 का दे रही है, तो आपकी LPG पे भी 18, 17 या 12, 13 यही आपकी LPG पे देगी। तो LPG लगवाने से प्रॉफिट कहाँ पे हुआ? तो दोस्तों, LPG लगवाने से एवरेज का प्रॉफिट नहीं होता, LPG लगवाने से आपकी कॉस्ट का प्रॉफिट होता। आपकी दोस्तों एवरेज पे फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा। यानी पेट्रोल आएगा आपका 90 रुपए लीटर और आपकी गैस आएगी 40 रुपए लीटर। यानी आपके अंतर क्या पड़ गया, पर लीटर पे आपने 50 रुपए बचा लिए, 90 माइनस 40 यानी 50 रुपए बच गए। इसी तरीके से दोस्तों, आप किसी भी गाड़ी में LPG गैस किट फिट कराते हो और जो गाड़ी में आप LPG गैस किट फिट करा रहे हो, तो आपको सिर्फ इतना अंदाजा लगाना है कि आपकी पेट्रोल पे क्या एवरेज दे रही है। जो गाड़ी आपकी पेट्रोल पे एवरेज दे रही है 12 का, 13 का, 15 का, 20 का या 10 का, जो भी है, जो भी एवरेज दे रही है, वही एवरेज सेम ज्यादातर आपका LPG का रहता है। यानी आपकी गाड़ी का 12 का एवरेज है पेट्रोल पे, तो आपकी गाड़ी भी 12 के आसपास ही एवरेज देगी। यदि आपकी गाड़ी का 15 का एवरेज है पेट्रोल पे, तो आपकी गाड़ी 15 का ही एवरेज देगी। यदि आपकी गाड़ी 20 का एवरेज देती है पेट्रोल पे, तो आपकी गाड़ी LPG पे 20 के आसपास ही देगी। यानी 20 से आपका ऊपर नहीं बैठेगा, यानी जो भी आपकी पेट्रोल पे गाड़ी एवरेज दे रही है उससे ऊपर नहीं बैठेगा, नीचे ही रहेगा। यदि दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट है, आप यदि गाड़ी के अंदर LPG लगवा रहे हो और उसमें एवरेज, जैसे आपकी पेट्रोल पे एवरेज दे रही है 12 का और आप उसको 14 का करा रहे हो LPG पे, तो प्लीज ऐसा ना कराएं, उससे क्या है आपकी गाड़ी जल्दी बैठेगी। यानी जैसे अपन पेट्रोल पे गाड़ी चलाते हैं तो होता यही है कि फ्यूल यानी पेट्रोल का और एयर का दोनों का मिक्स इंजन के अंदर जाता है,
तो यदि आप पेट्रोल को कम कर दोगे और एयर ही एयर दोगे तो उससे भी आपको गाड़ी को फर्क पड़ेगा। एवरेज बढ़ा दोगे तो गाड़ी के इंजन पे फर्क पड़ेगा आपका। देख लो, पेट्रोल पे यदि आप गाड़ी का एवरेज बढ़ा देते हो तो आपका पिकअप भी खत्म हो जाता है, पावर भी खत्म हो जाती है। तो इसी तरीके से आप अपना जो एलपीजी जहाँ पे फिटिंग करा रहे हो, जो डीलर नॉर्मल करके दे रहे हैं, एक तो आप जहाँ भी फिटिंग करा रहे हो वो अच्छे डीलर होने चाहिए, मतलब सही से फिटिंग कर दें आपकी गाड़ी में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप एलपीजी गैसकेट फिट करा सकते हो। और रही बात एवरेज की, तो आपकी जो पेट्रोल पे एवरेज दे रही है वही आपकी एलपीजी पे देगी। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने इस वीडियो में बता दिया है कि आपकी गाड़ी कितना एवरेज देगी पेट्रोल पे। तो दोस्तों वीडियो में मैंने बता दिया कि आपकी गाड़ी पेट्रोल पे कितना एवरेज देगी। तो इस तरीके से दोस्तों मेरा अब ये वीडियो खत्म होता है। यदि दोस्तों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा दो, जिससे मैं जो भी वीडियो लाऊं आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों अब अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।